हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। परवल की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से परवल की इस रेसिपी को जरूर बना के देखिए। घर में सभी को बहुत पसंद आएगा और परवल नहीं खाने वाले भी इस रेसिपी को टेस्ट करने के बाद आपसे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम परवल लिया है। परवल को हम इस तरीके से इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट कर लेंगे और इसे चाकू या चम्मच से हम इसे इस तरीके से छील लेंगे और इसके पतले से छिलके वाले स्किन को इस तरीके से निकाल लेंगे। सेम तरीके से ही हम सारे परवल को छील लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने परवल को छील लिया है और अब हम इसे पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब हम एक प्लेट लेंगे और चाकू से इसके बीच में से इस तरीके से कट लगा लेंगे और इसके अंदर वाले पल्प और बीज को हम हाथ से या चाकू से ही या फिर चम्मच के पीछे वाले भाग से इस तरीके से निकाल लेंगे। आपको जैसा इजी लगे आप सेम तरीके से बीज को निकाल लें। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे परवल को छील के धो लिया है और इसके बीज को निकाल के अलग कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और अब हम इसमें एक एक करके सारे बीज निकाले हुए परवल को कढ़ाई में डालेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे परवल को कढ़ाई में डाल दिया है। और अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से परवल हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली पक जाएंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे परवल को नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देंगे या उबाल आने देंगे। और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। परवल हमारे पक रहे हैं, तब तक हम प्याज कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से बारीक कट कर लिया है और यहाँ मैंने मिर्ची को भी कट कर लिया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारे परवल के बीज को डाल देंगे। और अब हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा लहसुन से फ्लेवर आता है। और अब हम इन सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जिससे इसका बारीक या महीन पेस्ट बन जाएगा। 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अब हम परवल को एक बार चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, परवल हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं। हम इसे नाइफ या चम्मच से इस तरीके से चेक कर लेंगे। परवल को हमें इतना ही पकाना है और इस टाइम पे हम परवल को पानी में से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। और सेम कढ़ाई को हम फिर से साफ करके इसे एक बार फिर से गैस पे चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से ऑयल में क्रैक होने देंगे या पकने देंगे जिससे जीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/4 चम्मच 5 फ़ोरन डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से चटकने देंगे। और ये देखिए, इंग्रेडिएंट हमारे अच्छे से चटक गए हैं। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से बारीक यहाँ कट कर लिया है। आप प्याज की जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और प्याज को हाई फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे प्याज हमारे जल्दी भून जाएंगे और जिससे प्याज का नेचुरल फ्लेवर भी आएगा और प्याज हमारे बहुत जल्दी से पक भी जाएंगे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं, प्याज को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है और प्याज हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं और ये भुन भी गए हैं। और इस टाइम पे हम इसमें पिसा हुआ या ग्राइंड किया हुआ परवल के बीज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे जिससे प्याज के साथ लहसुन और परवल का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे
और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम रखें जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं, और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें तीखे के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इन सभी मसालों को प्याज और पेस्ट के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेना है जिससे मसाले के साथ सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुन जाएगा। और इस टाइम पे आप इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर या 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसे और जल्दी बनाना है तो आप बीच बीच में 1 से 2 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे मसालों को चलाते हुए भून लें। मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। और आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और ये कढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। इस स्टेज पर आप इसमें तोड़ करके पनीर के पीस भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो आप एक बार इस तरीके से सिर्फ प्याज का ही बना के देखें। घर पे बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है और मसाले तेल भी छोड़ रहे हैं। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए मसाले हमारे ठंडे हो गए, हम इसे चम्मच से परवल में फिल कर देंगे या भर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक परवल में अच्छे से मसाले को भर लिया है और सेम तरीके से हम सारे परवल में मसाले को भर लेंगे। पुराने ज़माने में या बड़े बुजुर्ग भरवा परवल इसी तरीके से बनाया करते थे और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस होता है। और अब हम सेम कढ़ाई को ही एक बार फिर से गर्म होने के लिए रखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे परवल में स्टफिंग को अच्छे से भर दिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और अब हम इसमें एक एक करके सारे परवल को तेल में डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे परवल हमारे अच्छे से चारों तरफ से सिक जाएंगे। और आप देख सकते हैं परवल को हम एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ मैंने इस तरीके का कढ़ाई का यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्राई पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें परवल और अच्छे से जल्दी सिकेंगे। और अब हम परवल को अच्छे से पलटते हुए इस तरीके से चारों तरफ से सेक लेंगे और परवल के ऊपर वाले कवर या स्किन को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पलटते हुए सेक लेना है। और अब हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पलट दिया था और आप देख सकते हैं सारे परवल हमारे अच्छे से गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। हमें इसे इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। गर्मी का सीजन चल रहा है, इस टाइम पे बाजार में बहुत ही बढ़िया परवल आ रहे हैं, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर घर पे बना के देखें, सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस रेसिपी को आप बहुत ही इजीली घर के सामान से आसानी से बना सकते हैं और ये आप अपने मेहमान को भी खिलाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं भरवा परवल हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इसे आप चावल, चपाती, पूड़ी, राइस किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।